My dear students, today I am going to introduce with the poem Snake, composed by D.H. Lawrence. Unlike other poets of his time, he believed in the philosophy of flesh and blood. According to him, whatever our body reacts, that is true. So he was least concerned with mind. And in other words, he gave importance to primitive life. And in this poem, Snake, we are going to deal with such a subject which certainly shows his attitude towards animals, because he did not, in fact, like the modern civilized life. He wrote a number of novels also. उन्होंने नॉवेल भी लिखा और एक उनका नॉवेल जो था जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर दैट वॉज बैंड और बिकॉज दे टुक इट टू बी एन ऑब्सीन गंदा माना था. लेकिन इनका दूसरा नॉवेल जो है एक सन्स एंड लवर्स जिसमें जिसने बहुत ही ख्याति प्राप्त की और अभी भी हायर क्लासेस में इस नॉवेल की पढ़ाई होती है. तो हम लोगों को उतना नहीं जाना है. अब हमको इस सब्जेक्ट से आई हैव टू डील विथ द सब्जेक्ट एंटाइटल्ड स्नेक. इससे हमें आज इस पर हमें कुछ कहना है. तो अब देखिए कैसा वातावरण इन्होंने क्रिएट किया है स्नेक के लिए. तो ये कहते हैं ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो. वाटर ट्रो क्या है? एक कंटेनर है जिसमें पानी रखते हैं, जिसमें एनिमल्स के लिए पानी रखा जाता है या कोई चीज रखा जाता है खाने के लिए दिया जाता है उसको वाटर ट्रो. यहाँ पानी पीने की बात है तो इसलिए नाद कहिए होगा. ऑन अ हॉट हॉट डे. अब देखिए यहाँ इम्फेसिस गिव्स इम्फेसिस ऑन द सिवियरिटी ऑफ द हीट. ऑन अ हॉट हॉट डे दो बार ही कहते हैं, इलिटरेट करते हैं. इसका मान है कि बहुत गर्म था उस दिन. एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट. और जनरली लोग मोटे कपड़े नहीं पहनते हैं गर्मी के समय में, इसलिए पैजामा पहने हुए थे जो ढीला ढाला इनका ड्रेस था. टू ड्रिंक देयर और इन्हें भी प्यास लगी थी. ही ऑल्सो फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू ड्रिंक वाटर नियर द वाटर टैप. वहाँ वाटर टैप के पास ही गए हैं, वाटर टैप के पास गए ये भी. इन द डीप स्टैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री. कैरोब ये ट्री इसका क्या है, जिसका डार्क फ्रूट होता है, यूरोपियन ट्री है. इन द डीप स्टैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री. और वहां पर एक कैरोब पेड़ था. एंड इट्स इट मस्ट हैव बीन ब्लूमिंग. और इसलिए क्या था कि सेंटेड था या बिकॉज इवन द शेड ऑफ द ट्री वॉज सेंटेड. और इन अदर वर्ड्स द एटमोस्फेयर वॉज इम्ब्यूड विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर ऑफ द ट्री. क्योंकि वातावरण में सुगंध फैला हुआ था तो ये निश्चित ही फूल खिलते होंगे. आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर. ये भी एक घड़ा लेकर और डाउन द स्टेप स्टेयर आए स्टेप्स आए सीढ़ी के नीचे आए. एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड
एंड वेट। फिर यहाँ पर इम्फेसिस देते हैं, ही लेज इम्फेसिस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्वाइस मस्ट ट्वाइस। ये कहते हैं कि मैंने क्या किया कि एंड मस्ट वेट, ये कहते हैं मुझे अवश्य रुकना चाहिए। क्यों? ही गिव्स इक्वल रेस्पेक्ट टू द स्नेक और एनिमल्स ऑल्सो एज ही गिव्स रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग। अर्थात जीव से इन्हें प्यार है, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट। क्यों? कि बारी उसकी थी, क्योंकि पहले वह आया हुआ था। फॉर देयर ही वॉज द एट द ट्रो बिफोर मी, वह पहले ही आ चुका था। सो इट वॉज नेचुरल ऑन हिज पार्ट, ही वॉज द फर्स्ट मैन और फर्स्ट एनिमल और फर्स्ट लाइफ टू ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। क्योंकि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है सांप भी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, इट वॉज ही टर्न टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट देन हीज टर्न वुड कम। और ऐसी आशा की उन्होंने, ऐसा सोचा उन्होंने, और ए थॉट सडनली केम टू हिम एंड ही वॉज ओवरवेलम्ड दैट इट वॉज हीज टर्न टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट देन द पोइट वुड ड्रिंक, तब वो पियेंगे। He reached down from fissure in the earth wall in the gloom. Gloom means होता है dark थोड़ा, और fissure होता है बड़ा crack, दीवार सब में जो होता है उसको crack कहते हैं। क्योंकि उनका क्या था कि दीवार था, अर्थ वाल था, उसमें fissure था, उसमें crack था, खाई थी, उसमें दरार थी। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. अंधेरे से आया, बिकॉज इट केम आउट ऑफ द क्रैक ऑफ द अर्थ वॉल एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीज डाउन। और ट्रेल्ड मीन्स खींचा, पुल्ड बिहाइंड, उन्होंने खींचा अपने शरीर को, कैसे, जो स्लैकनेस अस्थिर से, सॉफ्ट बेली डाउन, अपने पेट के बल, जैसे सांप रेंगता है, तो इट केम डाउन क्रीपिंग, ये लुढ़कते हुए या रेंगते हुए आए, बिकॉज रेप्टाइल्स जनरली क्रीप ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रो। वह स्टोन का बना हुआ था ट्रो, जिसको कहिए नाद, तो वहीं पर आया इन ऑर्डर टू ड्रिंक वाटर एंड क्वेंच इट्स थर्स्ट, प्यास को बुझाने के लिए आया। And rested his throat upon the stone bottom. और अपने throat को पानी पीने के लिए क्या किया कि अपने गले तक को, गला को या मुंह के भाग को इसने bottom में सटा दिया, उसके बर्तन के bottom में पानी पीने के लिए। And where the water had dripped from the tap, and the water was dripping drop by drop from the tap on the toe. उसमें गिर रहा था। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, बिकॉज द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इनटू द ट्रो इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और पानी जो था से बिल्कुल साफ लगता था। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और उसने अपने मुंह से पिया, जिस प्रकार से एज एनिमल्स डू। सॉफ्टली डार्क थ्रू हीज स्ट्रीट गम, वो गम से पिया, वो बगल वाले पोर्शन से पी लिया पानी। इन टू हीज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने शरीर में पानी उसने डाला, कैसे, मुंह के द्वारा, साइलेंटली, चुपचाप। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, सो द पोइट डिड नॉट वॉन्ट टू इंटरफेयर विद द right of others. That's why he thought it better to remain there or stay there, wait till the animal that had come first finish his work, ताकि वो अपना काम कर सके पानी पीने का। अब क्या होता है देखिए, उसको आहट लगी, he heard some movement और ऑफ स्टेपिंग, उनका स्टेप का,
He lifted his head from his drinking. और उसने जो पी लिया था तो उसको आभास हुआ. क्यों? कि इसको कहते हैं कि चक, जो वास्तविक में ये जो है चक्षु श्रुवा कहते हैं सर्प को. लोगों का मानना है कि वह सेंसिटिव कैसे है, कि उसका चमड़ा ही इतना सेंसिटिव है जिससे किसी के आने की आहट का पता लगता है उसको, उस आहट का. और इसलिए वो क्या है कि चक्षु श्रुवा है, सुन कहते हैं लोग, उसको कान नहीं होता है, सेंसिटिव होते हैं उसके स्किन. ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू. उसने अपना हेड को उठाया, एज एनिमल्स डू व्हेन इन कोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दे स्टॉप एंड रेज देयर फेसेस. उठाते हैं उसी तरह से इसने भी उठाया. एंड लुक्ड एट मी वेगली, नॉट क्लियरली, और वेगली देखा, बिकॉज इट वॉज नॉट आफ्रिड दैट टाइम एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे ड्रिंकिंग कैटल किसी को देखते हैं. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क टंग. फ्लिकर, फ्लिकर माने आगे पीछे करना, फ्लिकरिंग धुंधलापन से अपना टंग जो है, फोर्क जो है दोहरा, फोर्क कांटे जैसा जो होता है, जो उसका फटा हुआ होता है टंग, उसको इसने ऊपर नीचा किया. फ्रॉम हिज लिप्स, अपने लिप्स से चाटा. एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और थोड़ी देर सोचा, आनंद लिया, सोचा. इट वॉज थिंकिंग वट टू डू, जैसा कभी ने महसूस किया. एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और स्टूप्ड, फिर झुका. स्टूप माने होता है झुकना. एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और अपने प्यास बुझाने के लिए और अधिक पानी पिया. बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ. बबल होता है जो नाला, जिसे हम भोजन जिसोगे पास करते हैं उसी का. तो कहते हैं बीइंग अर्थ ब्राउन, पृथ्वी जो थी बिल्कुल भूरी हो गई थी. अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावल ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. एटना पहाड़ है जो इटली में है, और क्या होता है कि वहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि गर्मी के समय में वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है. तो उसी प्रकार से गर्मी को ये बोध दिलाता है, अत्यधिक गर्मी थी उस दिन. बींग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ, और उसके बावल से लगता था, उसके पेट से, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. जिस प्रकार से एटना पहाड़ से विस्फोट होता है ज्वालामुखी और गर्मी छा जाती है, वही इम्प्रेशन कवि को यहाँ लगा, वैसा ही महसूस किया. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, देन व्हाट हैपेंस, ऐसा कहा गया है कि सर्पेंट ने क्या किया था कि ईव को डेविएट किया था अपने पाथ से, एंटाइस किया था और ललचा कर और फॉरबिडन ट्री के फल को खिला दिया था, जिसके चलते मानव को ज्ञान आया. तो उसी दिन शाप दिया गया था कि तुमने मानव को नॉलेज दे दिया है, और जब नॉलेज होता है मानव को तभी वो क्रिटिकल होता है, तभी वो आलोचक होता है, तभी वह दुख सुख का अनुभव करता है. तो पैराडाइज में शैतान ने ले लिया था सर्प का रूप, और भोली भाली इनोसेंट जो थी ईव, उसको ललचा कर फॉरबिडन ट्री का फल खिला दिया था. इसी के चलते ऐसा कहा गया कि जाओ, तुमको बेकसूर भी मानव तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हें दंड देगा, मारेगा. तो द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, क्योंकि बच्चे को कहता है कि अभी से कहते हैं, कोई भी सिखाते हैं कि जो जहरीला सर्फ है उसको इट मस्ट बी किल्ड, उसको मार दिया जाना चाहिए. ही मस्ट बी किल्ड, सो ही थॉट अकॉर्डिंग टू द टीचिंग दैट ही हैड गॉट, ही मस्ट हैव किल्ड द स्नेक, उसको मार देना चाहिए. लेकिन फॉर इन सिसली द ब्लैक ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, क्योंकि सिसिलियन का है ऐसा विचार कि ब्लैक सर्प जो है, दे आर नॉट पॉइजनस, दे आर नॉट वेनोमस, वे जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए वो हानिकारक नहीं होते हैं. दे आर वेरी फ्रेंडली. एंड फिनिश हिम ऑफ, और सोचा
कि ये सर्प को मार कर समाप्त कर दिया जाए। एक मन तो आया बिकॉज ही वॉज टॉट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड दैट ही शुड किल द वेनोमस स्नेक द मोमेंट ही सॉ। But must I confess how I liked him? Lekin he admits, he confesses, he accepts that he liked him because of its beautiful painting or so, whatever it may be. Because its spotted beauty must have arrested his attention and he must have been charmed by the beautiful painting of the snake. इसलिए वो कहते हैं एंड बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, एडमिट करते हैं कि उनको पसंद आई, इसलिए जो एडुकेशन जो इनको मिला था मारने का उसमें ये सोचने लगते हैं हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट। वे बहुत ग्लैड थे बिकॉज ही वांटेड टू गिव द स्नेक अ वार्म रिसेप्शन, ए वार्म वेलकम, और वे नहीं चाहते थे, ही रिगार्डेड इट एज अ गेस्ट एज वी रिगार्ड अ गेस्ट हु कम्स एट अवर हाउस। तो इसी तरह से ये भी सोचता था कि इसको हम हार्म नहीं पहुंचावे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू इंटरफेयर, इंस्टीड ही वॉन्टेड टू रिसीव हिम एज अ गेस्ट to drink at my water too, because he regarded the snake just like a guest and he must be given warm welcome and depart peaceful and pacified and thankless, aur chale jaye balki dhanyawad na de, koi baat nahi, lekin wo pani peekar chale jaye, yahi ek kavi ki tamanna thi, into the burning bowels of this earth, usi earth mein burning bowel mane pet ka भाग होता है जो जो जिसमें कि फीसर जो बना हुआ था, क्रैक जो था वाल में, सोचा कि पानी पीकर चला जाएगा, कवि को खुशी होगी। वाज इट कावर्डिश, अब ये कहते हैं कि क्या रियली ही वाज ए कावर्ड, ही वाज ए टिमिड मैन दैट ही डिड नॉट डेयर, ही डेयर नॉट टू किल दी स्नेक, क्या उन्होंने जो हिम्मत नहीं की तो क्या ये कावर थे, क्या डरपोक थे, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि इन्होंने हिम्मत नहीं किया उसको मारने का। वाज इट परवर्सिटी, और क्या उसको घृणा थी उन्हें, दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, अगर इफ ही वांटेड टू टॉक टू द स्नेक, वाज इट ए मैटर ऑफ हेट और डिसग्रेस, क्या ये घृणा की बात थी कि वो बात करना चाहते थे, वाजिट ह्यूमिलिटी, या ये ह्यूमिलिटी थी, ह्यूमिलिटी माने विनम्रता थी, ये जानते थे, डिड ही वांट टू बिकम वेरी डिसेंट एंड ट्रीट द स्नेक जस्ट लाइक अ गेस्ट टू फील सो ऑनर, कि इसलिए ये सोचे कि इनको कि उसको ऑनर किया जाए, ही वांटेड टू गिव हिम वार्म वेलकम, I felt so honored, और इन्होंने सोचा कि really the snake also deserves as much love, as much humility, as much respect as a human being deserves. And at those voices, फिर अब वो वॉइस जो थी, that he had been taught right from his childhood that a venomous snake must be killed, तो वो आवाज आई ही इनके आत्मा से, If you were not afraid, you would kill him. जो पढ़ाया हुआ था इनको कि सर्प को मार देना चाहिए, इसलिए अगर तुम अफ्रेड नहीं हो तो मार दो। दो बात इनमें है, ए कंफ्लिक्ट कम्स इन टू हिज माइंड, अराइजेज इन हिज माइंड वेदर ही शुड लव द स्नेक और ट्रीट इट एज अ गेस्ट और एज एन एनिमी एंड पुट इट टू एन एंड। सो ही वॉज in a state of confusion what to do, and truly I was afraid, we कहते हैं कि afraid थे, भयभीत थे, because I was most afraid, फिर ये कहते हैं बल देते हैं बहुत अधिक, ये afraid थे सर्प को देकर, but even so in spite of it, even so means in spite of it, honored and still more
दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी. लेकिन ये चाहते थे एज ए ह्यूमन बींग ही वॉन्टेड टू रिसीव द स्नेक जस्ट लाइक अ गेस्ट. ही वॉन्टेड टू ऑनर, ही वॉन्टेड टू गिव प्रिविलेज, ही वॉन्टेड टू ट्रीट हिम एज एन ऑनरेबल गेस्ट. ये चाहते थे. फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, क्योंकि वह आया हुआ था एक रहस्यमय जगह से, जो गुप्त स्थान से. ही ड्रैंक एनफ, लेकिन उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट द स्नेक हैड ड्रैंक एनफ टू इट सेटिस्फैक्शन, पी लिया था पानी. एंड लिफ्टेड हिज हेड, फिर उठाया ड्रीमीली, क्योंकि ऐसा होता है, आप देखेंगे कि प्यास बहुत लोगों को लगती है, और पानी जब पीते हैं तो लोग को लगता है सुस्ती आ जाती है, जैसे सुस्ती आ गई हो. और वन हु हैज ड्रंकन, जिस प्रकार से कोई आदमी पी लेता है शराब, नशा छा जाता है, उसी प्रकार से ऐसा ही भान होता है, सुस्ती आ जाती है पानी पीने पर. यू कैन वेल इमेजिन इफ यू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग अ हॉट डे, ऐसा करेंगे आप महसूस. एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, फ्लिकर, अब आगे पीछे किया उसके टंग को, फ्लिकर किया, लाइक फोर्क नाइफ नाइट ऑन द एयर. फोर्क नाइफ होगा यहाँ, नाइट नहीं होगा, जिस प्रकार से फोर्क, उसका जो है फोर्क के समान जो दो जीव होता है सबको फटा हुआ, और हवा में अर्थात आकाश की ओर उसने अपने जीव को निकाला. सो ब्लैक, वह काला था बहुत. स्विमिंग टू लीक हिज लिप्स, और इट वॉज ट्राइंग टू लीक ट्राइंग टू लीक हिज लिप्स, वह अपने ओठ को कोशिश कर रहा था चाटने का, किसे, अपने टंग से, फॉर्क टंग से. एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और जिस प्रकार से एक गॉड देखता है, तो यहाँ गॉड देवता की तरह, अर्थात वे सब में यूनिवर्सलिटी पाते हैं, वे सब को एक समान समझते हैं, जीव और जीव में. ही डज नॉट वॉन्ट टू मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड मैन काइंड. गॉड अनसीन इन टू द एयर, और आगे बढ़ती चला गया, क्योंकि नहीं दिखलाता था उसका जीव भी अच्छा से. एंड स्लोली टर्न हिज हेड, अपने सर को इसने झुका लिया, मोड़ लिया. एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ थ्राइस ड्रीम, लगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल स्वप्न में है. प्रोसीडेड, आगे बढ़ा, टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अपने शरीर को इसने कर्व किया, ही ट्विस्टेड इट्स बॉडी and started going into the fissure or into the hole that it had made and climbed again.